किसान भाइयों, जब हमारी धान की फसल गोब या गबोट अवस्था में पहुंच जाती है उस समय विशेष कर ध्यान रखना होता है। इससे बालियां लंबी निकलेंगी, दानों का भराव भी अच्छे होगा, बालियां मोटी निकलेंगी और दाना हमारा वजनदार बनेगा। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे, सबसे पहले किसान भाइयों बात करेंगे, धान की फसल जब गबोट अवस्था यानी 50 दिन के ऊपर जब धान की फसल पहुँच चुकी होती है उस समय तने में बालियां बनना शुरू हो जाती हैं। आप तना देखते होंगे, उसको थोड़ा सा फाड़ करके देखते होंगे तो वहाँ पर तने में बालियां निकलना शुरू हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में किसान भाइयों क्या होता है, कुछ ऐसे हमारे पोषक तत्व हैं जिनका बहुत ज़रूरी होता है, उस समय अगर यहाँ पर स्प्रे कर देते हैं तो धान में जो बालियाँ निकलती हैं वो मोटी निकलेंगी, लंबी निकलेंगी, दाने का जो भराव होता है वो सुडोल होता है, वजनदार बनता है। कभी कभी आपने देखा होगा जब धान की कटाई होती है तो वहाँ बहुत ज़्यादा धान के जो दाने होते हैं पिचके रह जाते हैं, उसमें दानों का भराव नहीं हो पाता है, कहीं पर मोटा है तो कहीं पर बहुत ज़्यादा पिचका हुआ दाना है, ऐसे में हमारी पैदावार 20 से 25% कम हो जाती है। अगर ये सब काम इस टाइम कर लेते हैं तो आपकी जो पैदावार है किसान भाइयों बहुत अच्छी प्रकार से होगी। तो एक फार्मूला बताएंगे, अगर उस फार्मूले का अगर इस पर प्रयोग कर लेते हैं जब तने में बालियां बनना शुरू हो जाती हैं, इस समय सबसे ज़्यादा काम होता है फास्फोरस का। तो फास्फोरस के रूप में किसान भाइयों आप एनपीके खाद आता है, जैसे हमारा एनपीके 0-52-34, एनपीके 0-52-34 में जो हमारा 52% फास्फोरस पाया जाता है और 34% पोटेशियम पाया जाता है यानी पोटास, इस समय दोनों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, लेकिन फास्फोरस की सबसे ज़्यादा ही आवश्यकता होती है। और फास्फोरस का किसान भाइयों यहाँ पर फ़ायदा क्या मिलता है, काम क्या होता है, फास्फोरस का काम होता है मतलब एक ट्रांसपोर्टेशन करना, मतलब ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट करता है मतलब जो भी आप यहाँ पर स्प्रे करते हैं जड़ों द्वारा पौधे से द्वारा बालियों तक पहुँचाने, भोजन का मतलब पहुंचाने का काम यहाँ पर फास्फोरस का होता है। तो पौधे से वहाँ पर बालियों तक भोजन जो देते हैं वो फास्फोरस का ही काम होता है। तो इस समय सबसे ज़्यादा फास्फोरस की कमी के कारण किसान भाइयों बालियाँ लंबी नहीं निकल पाती हैं, मोटी नहीं निकल पाती हैं, दानों का भराव भी अच्छी प्रकार से नहीं हो पाता है। तो इसके लिए आप NPK 0-52-34 का किसान भाइयों स्प्रे आपको जरूर करना है। और इसकी अगर डोज की बात करें तो 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। साथ में एक और आपको प्रोडक्ट बताएंगे, इसके संग किसान भाइयों जो आपको यहाँ पर लेना है जो जिंक आती है, जिंक हमारी आती है इलेक्ट्रेट फॉर्म में, जिंक आती है 12% वाली, तो उसकी आपको मात्रा यहाँ पर 100 से 120 ग्राम लेना है। जिंक से जो पत्तियाँ पौधे में बनी होती हैं उसमें पीलापन आ जाता है, उसको भी दूर करती हैं, किसी प्रकार का उसमें जो मतलब फंगस का अटैक होता है वो भी किसान भाइयों दूर हो जाता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर जो जिंक 12% आती है वो भी आपको लेना है, और साथ में जो बोरान आता है 20% वाला, उसकी मात्रा की बात करें तो 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। बोरान से किसान भाइयों जो हमारा दाने में चमक है, लाइट है और जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो भी अच्छी प्रकार से होती है। कभी कभी देखते होंगे जो नर मादा हमारे वो फूल होते हैं तो उसको अच्छी प्रकार से क्रिया अच्छी प्रकार से होती है, इसे दाने का भराव भी अच्छे प्रकार से होता है। तो इसके लिए किसान भाइयों बोरान और जो जिंक मैंने बताई 12% वाली और NPK 0-52-34, इस तीनों का घोल आपको अलग अलग तैयार करना है। कभी कभी देखते होंगे घोल एक ही में घोल देते हैं जिससे वहाँ पर क्रिया दूसरी हो जाती है, जिससे अच्छी प्रकार से जो परसेंटेज हमारा है 100% मिलना चाहिए वो इतनी अच्छी प्रकार से नहीं मिल पाती है, उसका परसेंटेज बहुत ही कम हो जाता है दवा। तो आपको अलग अलग बर्तन में घोल घोलना है और जब स्प्रे करने जाएं तो तुरंत आपको डाल करके एक ही मशीन में स्प्रे कर देना है। और स्प्रे करते समय किसान भाइयों ध्यान देना है आपको, खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, नमी होगी तभी अच्छी प्रकार से वहाँ पर हमारा रिजल्ट 100% आएगा, बालियाँ वहाँ पर जो निकलेंगी लंबी निकलेंगी, मोटी निकलेंगी, दानों का भराव भी अच्छी प्रकार से होगा। बहुत ही अच्छा फार्मूला है, आजमाया हुआ फार्मूला है। और दूसरे किसान भाइयों बात करेंगे, जिन किसानों की फसल अभी 50 दिन के ऊपर
नहीं हुई है, यानी 40 से 45 दिन के आसपास है। तो मैंने एक फार्मूला पिछली वीडियो में बताया था कि आपको यहाँ पर जो फार्मूला यूज करना है वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जिससे जो स्प्रे के माध्यम से देना होता है, जैसे मैंने फेरस सल्फेट बताया था, फेरस सल्फेट 500 ग्राम लेना है, जो हमारा मैग्नीशियम सल्फेट है वो आपको 250 ग्राम लेना है, और यूरिया है 1 किलो लेना है, जो इट्रोफॉर्म में जिंक है जो 12% 120 ग्राम लेना है। तो ये फार्मूला किसान भाइयों आप यूज कर सकते हैं जिन किसानों की फसल अभी 50 दिन के अंदर ही है, 40 से 45 या 30 दिन के बीच है, वो किसान भाई स्प्रे करके उसमें ट्रिलिंग बढ़ा सकते हैं, पौधे की ग्रोथ अच्छी प्रकार से कर सकते हैं, किसी प्रकार का उसमें रोग नहीं लगेगा, तो ये स्प्रे कर सकते हैं। और किसान भाई बात करेंगे जिन किसानों की फसल 50 दिन के ऊपर पहुंच चुकी है और अभी तक किसान भाई पोटास की पूर्ति नहीं किए हैं, पोटास की पूर्ति किसान भाई इस टाइम को ज़रूर करना चाहिए, जिसमें वहां पर फल फूल जो परागकण बनेंगे वो अच्छी प्रकार से बनते हैं, इसमें दानों का भराव भी अच्छी प्रकार से होता है। तो आपको 50 दिन के ऊपर जब फसल पहुँच चुकी होती है तो आपको स्प्रे के माध्यम से पोटेशियम की पूर्ति करना होता है। इसके लिए आपको एक NPK बताएँगे जिसका नाम है 13045, जिसमें नाइट्रोजन की भी पूर्ति हो जाएगी, हल्की फुल्की आपके वहाँ पर पीलापन बना हुआ है तो नाइट्रोजन 13% होता है और 45% आपका पोटेशियम यानी पोटास पा जाता है। इस तरीके से आपको पोटास की भी पूर्ति हो जाएगी और इसके लगभग 7 से 8 दिन के बाद दोबारा आपको पोटेशियम की पूर्ति करना है, तो एक तरीके से और भी कर सकते हैं, NPK 0050 50% पोटास पाया जाता है, जिसकी पूर्ति आप किसान भाइयों कर सकते हैं, क्योंकि रोपाई से अभी तक आपने पोटास डाला नहीं है। अगर म्यूरेटा पोटास किसान भाइयों आपको ज़मीन में मिट्टी में नहीं डाला है, वैसे 50 दिन के पहले आपको 40 से 45 या 30 दिन पर पोटेशियम मिट्टी में आपको डाल देना चाहिए, इससे पूर्ति हो जाती है। अगर नहीं डाला है तो NPK खाद जो हमारी स्प्रे के माध्यम से आप पूर्ति कर सकते हैं। किसान भाइयों गबोट अवस्था में जब बालियां हमारी निकलना शुरू हो जाती हैं, बहुत से क्षेत्र में गोभी की अवस्था भी बोलते हैं, गर्भाशय की अवस्था भी बोलते हैं, तो इन कंडीशन में किसान भाइयों खेत में पर्याप्त अवस्था में नमी भी होनी चाहिए, नमी अच्छी अगर होगी तभी किसान भाइयों बालियों का विकास अच्छी प्रकार से होता है। जब पौधे हमारे पानी नहीं पाएंगे तो वहाँ पर जो ग्रोथ होती है बालियों की वो छोटी रह जाती है, वहाँ पर ग्रोथ अच्छी प्रकार से नहीं हो पाती है। तो अच्छी प्रकार से बालियों का लंबाई लेने के लिए, अच्छी प्रकार से मोटाई लेने के लिए और दानों का भराव करने के लिए किसान भाइयों खेत में नमी मेंटेन बनाकर रखना होता है, और जो मैंने स्प्रे के माध्यम से बताया है वो सही डोज लेकर सही टाइम पर आपको स्प्रे जरूर कर देना है। किसान भाइयों ध्यान रहे कि अगर NPK स्प्रे आप करने जा रहे हैं, अगर किसी फंगीसाइड कीटनाशक या फफूंदनाशक दवा को मिलाना है तो एक ही आपको दवा मिलाना है, अगर कीटनाशक दवा डालने जा रहे हैं तो कीटनाशक मिला सकते हैं साथ में, अगर फफूंदनाशक दवा डालने जा रहे हैं तो फफूंदनाशक किसी में से दोनों में से एक दवा आपको मिलानी है, दोनों दवा किसान भाइयों नहीं मिलानी है, क्योंकि रिएक्शन करके कोई नया तत्व बन जाता है जिससे दवा हमारी अच्छी प्रकार से काम नहीं कर पाती है। तो इस चीज़ का किसान भाइयों विशेष ध्यान दें, और किसी प्रकार की समस्या आ रही है कौन सी दवा डालें, किस टाइम डालें, किस स्टेज पर कौन सी हमारी फसल में कमी दिखाई दे रही है धान की फसल में, तो वहाँ पर आप नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए, और आपकी धान की फसल कितने दिन की हो चुकी है और आप कहाँ से हैं नीचे आप कमेंट ज़रूर कीजिए। उससे पहले जो भी किसान भाई चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को शेयर कीजिए। जो भी समस्या आती है, किसी प्रकार की समस्या आती है तो नीचे आप कमेंट ज़रूर कीजिए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नमस्कार।